नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं विजय पथ। आज विजय पथ में पूरी दुनिया को हिलाने वाले वायरस कोरोना की बात करेंगे। आखिर क्या है यह कोरोना वायरस, कहां से आया और इसके पीछे क्या क्या नए खुलासे हो रहे हैं। अगर हम कुछ सोशल मीडिया की चीज़ों को माने तो कोरोना वायरस जैसी कोई खोज भारत के नागालैंड में किसी मिमी गांव में की जा रही थी, जिसमें वुहान यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर थे, नेशनल रिसर्च सेंटर था, टाटा रिसर्च फाउंडेशन सेंटर्स भी शामिल था। अगर कुछ ऐसा है और उसके पीछे सरकार ने कोई जांच की है तो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि उस मुद्दे को हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो सरकार का दिया हुआ पक्ष नहीं है, वो सोशल मीडिया पर चल रही कयासबाजी है या कुछ अच्छे जानकार लोगों के द्वारा जुटाई गई रिसर्च शोध पत्रकारिता का नमूना है। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस की दहशत है, 80,000 से ऊपर पता नहीं कितने लोग इस दहशत से पीड़ित हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आपको पता है कि आंकड़े किस तरीके से सरकारें जारी करती हैं। तब तक आधा आंकड़ा आपके पास नहीं पहुंचता है जब तक वास्तव में इससे पीड़ित पूरी तरीके से सरकारी आंकड़े में फिट ना बैठे। सरकारों की मंशा होती है तो कोरोना वायरस या इस तरीके की किसी भी वायरस आपदा या बीमारी से पीड़ित होने पर जानकारियां साझा करते हैं, क्योंकि इससे उनके साख और उनकी अपनी नीतियों पर भी सवाल उठता है, क्योंकि उनकी जो हेल्थ पॉलिसीज हैं, उनका बजट है, इस पर सब कुछ पूरा ड्रामाडोल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह खेल फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जरूर है। और रही बात कोरोना वायरस की, तो अभी तक चीन में यह पता चला है कि 2000 से ऊपर लोग मर चुके हैं और शायद दुनिया में भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा हो, क्योंकि अगर केरल में 4, मुंबई में 5 और बाकी फ्रांस में, जर्मनी में, गल्फ में, हर जगह ऐसे छोटे छोटे आंकड़े बीमारियों के आ रहे हैं, तो अभी यह कहना मुश्किल है कि कितने लोग इससे वास्तव में मर चुके हैं। लेकिन आज कोरोना की दहशत छोटे छोटे बच्चों में भी देखी जा रही है। वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेज जाते हैं, उनको कहते हुए जब मैं सुना कि हम ओपन फूड नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चीनी सामान की तरह पूरी के पूरे चीन को पूरा विश्व बायकॉट कर दे इस कोरोना वायरस के दबाव में। साजिश भी हो सकती है, यह एक आपदा भी हो सकती है और यह एक खेल भी हो सकता है, जिसका बड़ा पैमाना बाद में पता चलेगा। और वास्तव में ये सारी बीमारियां वायरस उसी खेल की तरीके से हैं जैसे हम लोग कंप्यूटर में एंटीवायरस और वायरस की बात करते हैं। सभी एंटीवायरस कंपनियां ही वायरस ईजाद करती हैं और बाद में उनका इलाज करती हैं, ठीक वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी किसी दवाओं को खोजने के लिए बीमारियाँ भी ले आती हैं। बहरहाल इस मुद्दे और इस सवाल पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी कोरोना के नाम पर की जाने वाली जानवरों की अंधाधुंध हत्या, जिसके वीडियोस हम लोगों के पास आ रहे हैं, हम देख रहे हो किस सोर्स से और किस कारण से जलाए जा रहे हैं, यह शायद पूरा पता नहीं है, लेकिन यह बवाल कुछ न कुछ बिल्कुल अलग रंग ला रहा है कि इतने जानवर क्यों मारे जा रहे हैं। अगर यह चमगादड़ से फैलता है तो चमगादड़ मारे जा रहे हैं, या सुअर से फैलता है सुअर मारे जा रहे हैं, या फिर मुर्गे मुर्गियों से फैल रहा है, चिकन से फैल रहा है तो उनको मारा जा रहा है। क्या यही इलाज है? क्या इनके जलाए जाने से, इनके दफनाए जाने से इस वायरस का आगे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा? क्योंकि ये जो भी काम अभी तक सरकारें कर रही हैं, यह कोई निश्चित तय तरीका शायद ही होगा, यह फौरी तौर पर बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि यह कोरोना वायरस कितने लोगों को काल के काल में समाहित करता है। फिर मिलेंगे जल्दी ही कोरोना या बाकी किसी और सामाजिक मुद्दे पर नए तरीके से विजय पथ में। देखते रहिए localnewsofindia.com वेबसाइट पर, पढ़ते रहिए और YouTube पर लोकल न्यूज ऑफ इंडिया विजिट करिए और पढ़िए हमारा अखबार लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, क्योंकि यह है देश का अखबार और हम हैं लकी कल का लोकल।